ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सभी धर्म पिताओं ने चमत्कार दिखाए पर परमात्मा ने क्यों नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए परमात्मा ने जो चमत्कार दिखाए वो आपने नहीं देखे, तभी आप पूछ रहे। आदि में क्या वंडरफुल चमत्कार दिखाए थे कि कोई भी आए और उसे कृष्ण दिखाए। सारे सारे पाकिस्तान में कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, सारे विश्व में ये चमत्कार की चर्चा हुई, विदेशी न्यूज़पेपर में निकल गया कि इंडिया में एक पागल है, दीवाना है, कहता है मैं कृष्ण। 400 मिल गई हैं, 16,000 चाहिए। और बाबा ने उसको बुलाया और उसे समझाया और उसने अपनी गलती को ठीक किया। चमत्कार तो बाबा ने किए, कितने चमत्कार गिनाए जाए, मैं उन सब की गिनती नहीं करके मैं आपका ही चमत्कार आपको दिखाता हूं। आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? अपने आप से इस चमत्कार को पूछ, किसने आपको ढूंढा, किसने आपको अपना बनाया और अपना सब कुछ आप पर न्योछावर किया और कर रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे, जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती वो मुझे पढ़ाएंगे। मुझे तो सपने में भी नहीं था। स्वयं आके पढ़ाएंगे, किसने पहचाना आपको? तभी तो आपको पहचान मिली, वरना ये बातें किसी को भी सुना दो, लाख बार पढ़ा दो, पहचान नहीं सकती। कोई कितना भाषण करने वाला हो, कितना अच्छे से अच्छा समझाने वाला हो, ड्रामा में बाबा के बिना पहले बाबा ही अपना बनाता है, ये कम चमत्कार है? बनाता भर ड्रामा अनुसार है, परंतु क्या कम चमत्कार है? क्या वंडरफुल आकर बताया कि तुम
इतनी छोटी सी आत्मा जिसमें 5,000 साल का पार्ट रिकॉर्ड है, क्या वंदर है। इतनी छोटी आत्मा जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, वो इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करती है, 5,000 साल तक इस दुनिया में आकर अपना पार्ट प्ले करती है, क्या क्या वंडरफुल रोल प्ले करती है, क्या क्या वंडरफुल पार्ट प्ले करती है। ये राज समझाना क्या वंडरफुल, क्या वंडर है। परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे, क्या वंडर है, क्या चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। जो पूरी दुनिया में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं, पूरे यूनिवर्स की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझाते हैं, इससे बड़ा क्या वंडर होगा। सारे संसार की आत्माओं को, सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, इससे बड़ा क्या वंदन है। कोई धर्म पिता क्या चमत्कार दिखाएगा, क्या चमत्कार दिखाया होगा, एक भी चमत्कार परमात्मा के आगे। योग की सिद्धि के द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा किसी बीमार को ठीक कर दिया, मरण आसन को जीवन दान दे दिया, मरने वाला था या मर गया था, अब उसने उसको जीवित कर दिया, जबकि जीवित कोई कर नहीं सकता, उसका पार्ट अभी है तो आत्मा वापिस आकर उस रोल को प्ले कर सकती है। कोई जीवित कर सकता हो तो बताओ, कोई मरे ही ना, फिर तो सारे जिंदा रहते, वो खुद को भी जीवित नहीं रख सके तो दूसरों को क्या जीवित रखेंगे। कुछ तो ऐसे ही ब्लफ चमत्कार वर्णन किए हुए, ऐसे ही कुछ पैदा कर दिया, एक कुशा रखी और कुश पैदा कर दिया, हाथ किया और बच्चा पैदा कर दिया, आशीर्वाद दिया तो बच्चा हो गया, तुम्हारे घर बच्चा हो गया हो गया, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी नौकरी लग गई, ये झूठ है सारे, ये धोखा देते हैं। आज भी कितने गुरु, कितने मंदिर, ये झूठे चमत्कार वर्णन कर रहे हैं। वो जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है, वो उस आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है, किसी के करने से नहीं। वो तो केवल उनको कर्जा देना है
इसलिए वे उनको जाकर कर्जा देते हैं, वरना वो सबकी नौकरी लगा देवे ना, सबकी बीमारियां ठीक कर देवे ना, कोरोना को जीवन से भारत से बाहर निकाल देवे ना। और परमात्मा आकर कितनी वंडरफुल बात समझाते, बच्चे मेरे में और तुम्हारे में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो देहधारी बच्चे काम करते हैं वो मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, और जो मैं करता हूं मेरा कोई भी देहधारी बच्चा नहीं कर सकता। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा, कोई नहीं कर सकता। मैं आकर तुम्हें मरने वाले से अमृत प्रदान करता हूं, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाता हूं, झूठ से सत्य की तरफ ले जाता हूं, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता हूं। मैं ही आकर तुम्हें मुक्ति और जीवन देता हूं। मैं आकर तुम्हें वो सातों गुण प्राप्त करने की विधि सिखाता हूं जिससे तुम चरित्रवान देवता बनते हो, जिसके लिए तुम हमेशा पुकारते रहे। ज्ञान दे दो, शांति दे दो, पवित्रता दे दो, प्रेम करो, सुख दो, आनंद दो, शक्ति दो, ये मैं ही दे सकता हूं, ये संसार में किसी पंसारी के पास नहीं मिलता। इससे बड़ा वंदन और क्या चाहिए। इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए कि नर्क को स्वर्ग बना देना, मुझे रुकना पड़ेगा, बहुत सारे बन रहे हैं, कब तक बोलता रहूंगा मुझे रुकना पड़ेगा। ओके, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।